अस्सलाम वालेकुम, मैं इफ्तिखार अंजुम हूँ। मैं यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अंडर 16 की जो क्रिकेट टीम बनी है उसको कोच कर रहा हूँ। पहले मैंने एज ए सिलेक्टर रोल प्ले किया है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक इवेंट करवाया गया है पीसीबी की तरफ से। पूरे पाकिस्तान में जो स्कूल क्रिकेट को ऑर्गेनाइज़ किया गया है उसमें से पहले 500 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया। उन 500 में से मेरे साथ अलियास साहब थे और शाहिद भाई थे। हमने 40 लड़कों को सिलेक्ट किया, उन 40 का हमने कैंप लगाया 3-4 दिन का इत्तफाकी ग्राउंड में। उनमें से हमने 14 लड़के सेलेक्ट किए हैं जो कि हमारी नज़र में बेहतरीन टीम के तौर पर सामने आए हैं। उन 14 लड़कों का अभी हम यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, प्रैक्टिस होती है, सुबह होती है, फिर शाम में हमारी फील्डिंग सेशन होते हैं और ट्रेनिंग होती है। परसों हमारा मैच है तो जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगा कि ग्रेट एफर्ट है जुनेद ज़िया की, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे इस इवेंट को करवाया है और पीसीबी ने उनको फुली सपोर्ट किया है। इसमें बहुत से ऐसे एक्सेप्शनल टैलेंट है जो कि उभर के सामने आया है, जिसमें मैं शमरेज का नाम लूँगा, राइट आर्म लेग स्पिनर है, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। शुजा है जिसके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है।